subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जनपद बलरामपुर से संवाददाता माता प्रसाद की रिपोर्ट। मैं ग्राम पंचायत बजट डी में आया हूं। यहां का ब्लॉक हरिया सतगरवा है। मैं इस गांव में लोगों की समस्या आज सुनने के लिए आया हूं। भाई साहब का नाम क्या है? जमुना प्रसाद मिश्रा। आपका आवास नहीं बना क्या? नहीं बना है सर। आपको प्रधान जी ने आवास नहीं दिया? नहीं दिया साहब। प्रधान जी का नाम क्या है? प्रमोद। प्रमोद प्रमोद कुमार पासवान। इनका जमुना प्रसाद मित्रा नाम है। ये काफी गरीब आदमी है। इनके घर की समस्या इसी तरह से है पूरा। आइए आपको मैं दिखाता हूँ। इनके घर में यहाँ पर खाना बनता है। आइए, पूरी समस्या इस तरह से है। बगल हो यहाँ पर ये लोग लेटते हैं। इनके चरपैया है और यहाँ पर खाना बनता है। जो इनका ये खाना बनाती है, जिस पर ये चूल्हा रखा हुआ है, सब दाल चावल रखा हुआ है, इसी में गरीब परिवार निवास कर रहा है। जबकि भारत सरकार यानी गवर्नमेंट जनता की सुविधा करती है। यहाँ के प्रधान जी प्रमोद कुमार पासवान जी हैं। यहाँ के लोगों के उल्टा सीधा करवा करके जिसका आवाज बना है उनका पुनः बनवाते हैं, और जो गरीब बेचारा मर रहा है उनका आवाज नहीं दिया जा रहा है। इतना बड़ा घोर अन्याय जब बलरामपुर में हरसघरा ब्लॉक में बजट डी ग्राम पंचायत में हो रहा है। गरीब हो रहा है यहाँ पर, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये माता जी का ये पूरा सिस्टम है इस तरह से। उनको शौचालय के बारे में जो गवर्नमेंट दे रही है, आपको शौचालय भी नहीं मिला? नहीं मिला साहब। भारत सरकार द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही है, हमें गैस तक भी नहीं मिला है। हाँ सही बात है, गैसों नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, हम लोग ऐसे रह गए। इनको ना शौचालय मिला है, ना कोई बाथरूम वगैरह बनवा गया, ना आवास बनवा गया है। गरीब परिवार के शोषण इस तरह से भर्रे सतगरवा ब्लॉक में ग्राम पंचायत बजट डी में हो रहा है। मैं 7 न्यूज से संवाददाता माता प्रताल।